स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू गेट द सक्सेस इन एन ईजीएस्ट वे। सो आई होप सबके सब बहुत अच्छे होंगे, उम्दा तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहे होंगे, मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे, पेपर आ रहे हैं, खूब जोरों शोरों से एकदम कंसेप्ट क्लियर कर रहे होंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो भाइयों, आप लोगों की डिमांड पर आज हम नया लेक्चर बना रहे हैं बीएमसी का। जैसा कि आपको पता है कि अपनी प्रीवियस टाइम पर बीएमसी के काफ़ी सारे टॉपिक जो हैं वो कवर अप हुए थे, बट यहाँ पर बीएमसी का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया था आप लोगों का, वो आज मैं कवर करने की कोशिश करूंगा पूरा का पूरा। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा थोड़ा सा अपने बारे में। मैं हूं निखिल गोयल, आप लोगों के लिए लाया हूं एक बीएमसी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से भरा हुआ लेक्चर। आई होप इंजॉय करोगे लेक्चर को, खूब एकदम जोरों शोरों से पढ़ोगे और जो पढ़ाऊंगा उसको अपने जहन में तुरंत की तुरंत बिठा लोगे। तो भाइयों, शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा, शेयर कर देना चैनल को, बिकॉज वी नीड द शेयर। जितना ज्यादा शेयर करोगे, वी नीड सब्सक्राइबर्स फॉर दिस चैनल एक्चुअली। तो शेयर करो ताकि सब्सक्राइबर बढ़े। यहां पर लेक्चर रेगुलर अपडेट होते जा रहे हैं, आप लोगों को नोटिफिकेशन आता रहेगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बिकॉज लाइक करोगे हमें फीडबैक मिलेगा कि व्हाट वी आर एक्चुअली टीचिंग, इसका इंपैक्ट आप लोगों पर क्या पड़ रहा है, आप लोग इस वीडियो को कैसा देख रहे हैं, कैसे क्या कमी लग रही है, वो भी बता देना कमेंट बॉक्स में टाइप कर कर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे देवियों और सज्जनों, आप लोगों को पढ़ाना चाहूंगा मैं लाइन। भाई, आप लोगों को पता है कि पुराने जमाने में हम लोग लाइन को यूज किया करते थे, सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना तो और बताते हैं कि ब्रिक्स में देखा लाइन यूज होता है, सीमेंट में देखा लाइन यूज होता है, बहुत ऐसी चीजें हैं, बहुत ऐसे बिल्डिंग्स मटेरियल्स हैं जिनके अंदर हम लोग लाइन को यूज करते हैं। तो यहां पर मैं आप लोगों को लाइन के बारे में ही पढ़ाने वाला हूं पूरा का पूरा, कि ये लाइन एक्चुअली में होता क्या है, बनता कैसे है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह के लाइन होते हैं मेरे पास दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, लाइन बनता कैसे है। इट इज मेड फ्रॉम, पहली बात लिखेंगे यहां पर, इट इज मेड फ्रॉम लाइम स्टोन। सिंपल सी बात है, बनेगा किससे, लाइम स्टोन से। लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसको हम कहते हैं प्यारे दोस्तों क्विक लाइम या फिर लाइम। और लाइम स्टोन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब एक्चुअली में हीट करा जाता है प्यारे दोस्तों, तो ये किस में टूटता है, ये टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम। मेरी बात समझ आई, दिस इज द साइन ऑफ हीट, इसको कहते हैं कि हीट करा जा रहा है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं, वो होता है CO2 और CaO में विभाजित, मतलब टूटता है। तो इस प्रोसेस को एक नाम भी दिया जाता है स्लेकिंग, स्लेकिंग ऑफ लाइम हम लोग इसको कहते हैं कई बार, ठीक है। तो बात आती है कि लाइम तो हमने देख लिया है, लाइम कैसे बनता है हमारा। अब टाइप्स ऑफ लाइम, भाई इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, थोड़ा सा समझ के चलना जो अभी बता रहा हूं। डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है आप लोगों से कि कितने टाइप्स के मेरे पास लाइम होते हैं। पहला बहुत इंपॉर्टेंट टाइप दोस्तों, फैट लाइम। देखो नाम से समझेंगे, कुछ ऐसे जानने की खास बात नहीं है यहां पर कि फैट लाइम क्या होता है। मेरे को पता है फैट मतलब मोटापा, मोटापा मतलब बढ़ना, साइज बढ़ गया है। तो साइज कैसे बढ़ता है, देखो होता क्या है कि स्लेकिंग होने के बाद, आफ्टर स्लेकिंग जब हम लोग पानी मिला देते हैं, पानी मिलके हीट जनरेट होता है, लाइन प्रोड्यूस हो जाता है, फिर वो सेट हो जाता है। तो आफ्टर स्लेकिंग, इस पूरे प्रोसीजर को स्लेकिंग कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली में वॉल्यूम ऑफ द लाइन, वॉल्यूम ऑफ दिस लाइन, फैट लाइन की बात कर रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ द लाइन इंक्रीजेस बाय 2 to 2.5 times, मतलब 2 to 2.5 times तक वॉल्यूम जो होती है मेरे ओरिजिनल लाइन की वो बढ़ जाती है। जब वॉल्यूम बढ़ती है तो उसको क्या कहता हूं, उसको मैं घुमा फिरा के कह देता हूं मोटा हो गया है, फैट लाइन कहलाता है। मेरी बात समझ में आई होगी प्यारे दोस्तों। तो फैट लाइन आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए क्या होता है ये। एक और बात बोलना चाहूंगा यहां से, फैट लाइन के अंदर इंप्योरिटीज बहुत कम, यहां पर ऐसा लिखेंगे इंप्योरिटीज वेरी लेस, बहुत कम इंप्योरिटीज होती है, बहुत कम इंप्योरिटीज होती है। तो इस वजह से मैं इसको क्या कहूंगा दोस्तों, कि ये जो है रिच लाइन है, जिसके पास इंप्योरिटीज गंदगी कम होती है उसको कहा जाता है वो अमीर है,
ठीक है। मैं अपने लेक्चर में अक्सर आप लोगों को बताया करता था, अमीर और गरीब इंसान की आदतों से होता है, इंसान के पैसे से नहीं होता। तो वो आदतें क्या है? गंदगी, ठीक है। गंदी आदतें गरीब है, अच्छी आदतें अमीर है। तो इम्प्योरिटीज नहीं है तो यानी बहुत कम है, यानी रिच लाइन है। तो इसको एक और नाम दिया जाता है, रिच लाइन। लिख लेते हैं जल्दी से इसको, रिच लाइन। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी परसेंट इम्प्योरिटी है इसके अंदर? लगभग लगभग 5%। और ये 5% इम्प्योरिटी किस फॉर्म में है, ये भी पूछ सकता है पेपर में अपने से। तो यहां पर मेरे प्यारे देवियों और सज्जनों याद रखना है, ये जो 5% इम्प्योरिटी है ये सिलिका की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि मैंने फैट लाइन के बारे में जो जो बताया बहुत अच्छी चीज है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक बात और, यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं फैट लाइन की, वो प्रॉपर्टीज मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, और ज्यादा रह जाएगा। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या होंगी? पहली कि ये जो फैट लाइन होता है ना दोस्तों, ये क्या काम आता है? पहली बात तो ये स्ट्रेंथ को कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करता, ना ये स्ट्रेंथ देता ना लेता। तो यहां पर लिखेंगे, डज नॉट इंटरफेयर विद द स्ट्रेंथ। मेरी बात समझ में आई? दूसरी चीज क्या होती है कि इसका कलर कैसा होता है? फैट लाइन का कलर होता है मेरे प्यारे दोस्तों व्हाइट। तो लिखेंगे यहां पर दूसरा पॉइंट कि इट इज व्हाइट इन कलर। तीसरा पॉइंट होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि जब ये व्हाइट कलर का है तो मेरे घर की पुताई में काम कर सकता हूं, पुताई मतलब सफेदी, ठीक है। तो लिख सकता हूं यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग का मतलब होता है सफेदी, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं है, सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। लाइन से अगर कुछ पूछेगा तो यहां से पूछेगा, बाहर से कुछ नहीं पूछेगा, सब कुछ क्लियर हो गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरह का मेरे पास जो लाइन आता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो होता है हाइड्रोलिक लाइन। समझेंगे हाइड्रोलिक लाइन को। द सेकेंड टाइप ऑफ लाइन इज द हाइड्रोलिक लाइन। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाना चाहूंगा इस लाइन के बारे में। पहला पॉइंट तो यही है प्यारे देवियों और सज्जनों कि इस लाइन के अंदर इंप्योरिटीज ज्यादा होती है। हैव 5-30% ऑफ इंप्योरिटीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। किस फॉर्म में? सिलिका की फॉर्म में हो सकती है, और कोई एलिमेंट आके प्रेजेंट हो सकता है, उस फॉर्म में भी हो सकती है। इसका कलर जो है वो सफेद नहीं होता, वो पीला होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे समवट येलोइश कलर होता है इसका। एक बात अच्छी है इसकी कि ये येलो कलर की होती है, इसके अंदर इम्प्योरिटीज जो है 5-30% होती है। और एक बात लिखते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी कि ये जो है वॉल्यूम को एक्सपेंड नहीं करती स्लेक होने के बाद। लिखते हैं डज नॉट कॉज एक्सपेंड इन द वॉल्यूम आफ्टर स्लेकिंग। मेरी बात समझ में आई दोस्तों? अब एक बात को जरा ध्यान रखेंगे कि जो वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं करता ना, वो ताकत देता है। मेरी बात को समझेंगे कि जो एक्चुअली में उसी मास को अगर आप बढ़ा देते हो तो क्या होगा, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, है ना, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। यहां पर डेंसिटी से मतलब है उसकी अपनी ताकत। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ाता तो यह स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लिख लेते हैं जल्दी से, प्रोवाइड स्ट्रेंथ। तो ये एक्चुअली में चार पॉइंट्स मैंने जो आपको लिखवाए हैं हाइड्रोलिक लाइन के, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखने हैं। आगे बात आती है इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो मेरे प्यारे दोस्तों आप मोटार बनाने में इसका यूज करेंगे। दूसरी मेरी बात आती है कि जब ये मोटार बनाने में काम आ रहा है, वॉल्यूम को एक्सपेंड नहीं कर रहा तो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, वो तो खैर मैंने इसी में लिख दिया है। तो लिख लेता हूं यहां पर कि यूज जो होगा इसका जनरली यूज इन मोटार, ठीक है। क्यों? बिकॉज इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ। मेरी बात क्लियर हुई प्यारे दोस्तों? तो ये पॉइंट जो है हाइड्रोलिक लाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरी तरह का जो लाइन आता है उसको कहते हैं पुअर लाइन, गरीब। अब गरीबी क्यों आती है? आदतों से। आदतें क्या है? इंप्योरिटीज ज्यादा है इसमें। लिख लेते हैं प्यारे दोस्तों,
पुअर लाइन। सबसे पहली बात कि ये बनता किस चीज से है, ये बनता है ग्रेनुलर लाइमस्टोन से। लिख लेते हैं जल्दी से, प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रेनुलर लाइमस्टोन। अच्छा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि इसके अंदर जो इंप्योरिटीज होती है वो 30% होती है। लिख लेते हैं इंप्योरिटीज जो होती है इसके अंदर लगभग देखो 5 से 30 किसमें थी, हाइड्रोलिक में, 5 से कम या 5 के बराबर किसमें थी, फैट लाइन में, अब 30 से ज्यादा या 30 के बराबर ऐसा इंप्योरिटीज ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, गरीब, गंदी आदतें भरी हुई है, गरीब है मेरे लिए, तो वही चीज है ये और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा है इसके अंदर मेरे प्यारे दोस्तों। अब बात आती है यहां पर कि ये जो है स्ट्रेंथ नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि इतनी गंदगी भरी पड़ी है, मेरे लिए जो गंदा है वो मेरे को क्या ताकत देगा। मैं लिखूंगा डज नॉट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ठीक है। अच्छा कलर कैसा होता है इसका, लिख लेते हैं येलोइश कलर होता है, लगभग नियरली लगभग येलो कलर का ही होता है, ये येलोइश कलर का होता है। चार पॉइंट्स इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से लाइन पड़े, फैट लाइन, हाइड्रोलिक लाइन, पुअर लाइन। एक नोट करके लिखवा देता हूं, लाइन खत्म, ठीक है। लिख लेते हैं जल्दी से, पेपर में जनरली पूछ सकता है इस पॉइंट को, इसलिए लिखवा रहा हूं। इफ हाइड्रोलिक सीमेंट इज यूज, इफ हाइड्रोलिक लाइन इज यूज इन मोटर, ठीक है, देन उसका रेशियो कितना लिखना है मेरे को, इट शुड बी इन 1:2 का रेशियो। अब इसका मतलब तो आप लोग जानते हैं, लाइन इज टू सीमेंट का रेशियो है ये, सीमेंट सॉरी सैंड का, लाइन इज टू सैंड का 1:2 का रेशियो होना चाहिए इसमें। दूसरी बात कि अगर मैं हाइड्रोलिक लाइन को यूज करता हूं प्यारे दोस्तों, तो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम कितना है, ये पूछा गया है आज से पहले पेपरों में। हाइड्रोलिक लाइन का इनिशियल सेटिंग टाइम ISTS इनिशियल सेटिंग टाइम कितना है, 100 से 120 मिनट याद रखना है। और प्यारे दोस्तों इसका फाइनल सेटिंग टाइम कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना 16 घंटे के आसपास होता है, नियर अबाउट 16 घंटे। तो फाइनल सेटिंग टाइम नियर अबाउट 16 घंटे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना। ये आपका लाइन खत्म होता है, इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं पूछेगा लाइन से रिलेटेड पेपर में। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं ग्लास। ये छोटे छोटे टॉपिक थे जो रह गए थे वो कवर अप करवा रहा हूं, ध्यान से पढ़ते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे अब। स्टूडेंट अब बात आती है यहाँ पर गिलास के बारे में पढ़ने की। ये ग्लास क्या होता है, हिंदी भाषा में हम लोग इसको जानते हैं, हम लोग इसको कहते हैं शीशा या फिर कांच, ठीक है, समझ रहे होंगे हिंदी भाषा बताइए अभी तक। तो अब थोड़ा सा टेक्निकल पर आते हैं कि ग्लास को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, इट इज द मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड द ऑक्साइड्स ऑफ, लिख लेते हैं मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड ऑक्साइड्स ऑफ, बड़ी प्यारी बात है याद रखना, ये चीज कभी मत भूलना यार आप लोग, ऑक्साइड्स ऑफ कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, लेड एंड मेनी एलिमेंट्स एंड एटसेट्रा। मेरी बात समझ आई, ये लिखा है लेड, Pb इज कॉल्ड लेड। सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है, SiO2, क्लियर हो रहा है? तो भैया क्या लिखना है मेरे को यहां पर, इट इज द मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड ऑक्साइड्स ऑफ कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, लेड एंड कुछ और, ये जनरली 4-5 काम आते हैं, इसलिए मैंने ये लिखवा दिए। अभी बात आती है कि ये जो है किस तरह से फॉर्म होता है, उसका जनरल फॉर्मूला तो अपने को पता होना चाहिए ना, तो वो जनरल फॉर्मूला लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। जनरल फॉर्मूला क्या है, ए ऑफ X2O डॉट बी ऑफ YO डॉट 6 ऑफ SiO2। देखो है क्या वो समझते हैं पहले, इधर ए और बी क्या है, ए और बी है कि मैंने आपको कहा कि मेरे पास ना 4 मोल कैल्शियम के पड़े हैं, 2 मोल सोडियम के पड़े हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स है ए और बी जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स,
अब किसके हैं कैसे हैं वो तो आपको इक्वेशन में दिख ही रहा है, एक्स क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, फॉर्मूला आपको बनाना आता होगा। सपोज मैंने आपको कहा कि सोडियम को और इसको, सॉरी पोटेशियम को करता हूं, पोटेशियम को और ऑक्सीजन को मिला के दिखाओ, एक फॉर्मूला बनाओ, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? K2O। आपको पता है अगर मैं यहां पर कह देता हूं कैल्शियम और ऑक्सीजन को मिला के दिखाओ तो क्या फॉर्मूला बनेगा? CaO। क्यों बना ऐसा ये? क्यों ऐसा फॉर्मूला बना वो समझे जरा सा, बहुत बेसिक चीज है ये। पोटेशियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है +1, ऑक्सीजन की जो होती है वो होती है -2। तो फॉर्मूला बनाने के लिए क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं, चार्ज वार्ज को भूल जाते हैं, दो के लगेंगे, एक ऑक्सीजन लगेगा, K2O आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना कि एक्चुअली में जो मेरे पास यहां पर मेटल्स हैं सोडियम और पोटेशियम, ये लगेंगे दो के साथ, कैल्शियम और लेड लगेगा एक के साथ। ये मैं वैसे कोई ट्रिक व्रिक नहीं है यार, ये तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ बस, ठीक है। वैसे ये 9th क्लास का टॉपिक है, ये पता होना चाहिए आपको, नहीं पता तो एक बार ही समझ लेना, NCERT में सब लिखा हुआ है, ठीक है। ये पढ़ाना थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा, बहुत बेसिक चीज है इसी, ठीक है। एक्स क्या है? एक्स है मेरे प्यारे देवियों और सज्जनों सोडियम और पोटेशियम। कहने का क्या मतलब है? मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम मतलब जिसकी वैलेंसी एक ही है, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। वाई क्या है? वाई है डायवेलेंट एटम, याद रखेंगे, ठीक है। दिस इज मोनोवेलेंट, दिस इज डायवेलेंट। यहां से ए और बी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। SiO2 तो सिलिका है, ये होता है जनरल फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को जहन में रखना, इससे रिलेटेड काफी चीजें अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। चलिए करते हैं यहां पर स्टार्ट, कि मेरे पास बहुत सारी तरीके के ग्लास होते हैं। पहला ग्लास स्टार्ट करते हैं, पहला ग्लास आता है मेरे पास मेरे प्यारे दोस्तों सोडा लाइम ग्लास। क्या है सोडा लाइम ग्लास? सोडा लाइम ग्लास है सोडियम कैल्शियम को मिलाने के बाद जो मैंने शीशा बनाया उसको कहा सोडा लाइम ग्लास। सोडा से सोडियम, सोडियम मतलब Na2O.CaO.6SiO2। देखो सोडा लाइम ग्लास, मेरी बात समझ आई? सोडा सोडियम से बना, लाइम आपको पता है CaO होता है और 6SiO2 तो जनरल फॉर्मूले में था ही। तो इस ग्लास को मैं कहता हूं सोडा लाइम ग्लास। एक नाम और दिया जाता है इसको, हम लोग कहते हैं सॉफ्ट ग्लास। क्यों कहते हैं सॉफ्ट ग्लास? क्योंकि भाई बड़ा प्यारा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, कि अगर हाथ रखो तो हाथ फिसल जाए, समझ रहे हैं ना? तो बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं सोडा लाइम ग्लास। फॉर्मूला समझ आ गया, नाम क्यों रखा है ये भी समझ आ गया है। अच्छा अब बात आती है कि इसको हम लोग यूज कहां पर करते हैं। देखो समझ है ना, बस यूज लिख रहा हूं डायरेक्ट। यूज कहां पर करेंगे? अपने घर की खिड़कियों में, अपने घर के दरवाजों में, लेबोरेटरी में काम करते हैं इससे हम। लेबोरेटरी में कुछ चीजें जो होती हैं वो इक्विपमेंट्स वो हम इससे बना देते हैं, कई बार सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें सही होती है, लिख लेते हैं। डोर्स पैनल्स में काम आता है, विंडोज में काम आता है, लेबोरेटरी के कुछ इक्विपमेंट्स बनाने में काम आता है, ये पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। समझ में आ रहा होगा कि ये कहां पर काम आता है। हो गया, यही चीज थी पूरा का पूरा सोडा लाइम ग्लास। नेक्स्ट कौन सा आता है? नेक्स्ट होता है पोटेश लाइम ग्लास। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लास, पेपर में बहुत बारी पूछा गया है ये चीज, ठीक है। तो देखते हैं अगला मेरा आता है पोटेश लाइम ग्लास। देखो मेरे को पता था सोडा में आता था सोडियम, पोटेश में आएगा पोटेशियम, है ना? और पोटेशियम को किससे डिनोट करा जाता है? के से। लिख सकता हूं K2OCaO.6SiO2, पोटेश लाइम ग्लास। हो गया, ये फॉर्मूला बन गया मेरा पोटेश लाइम ग्लास का। एक प्यारी प्रॉपर्टी आती है इसकी कि ये बहुत हार्ड होता है, इसको हम लोग एक नाम और देते हैं हार्ड ग्लास। और एक नाम और दिया जाता है उसको अलग से लिख रहा हूं, इसको बोला जाता है बोहिमियन ग्लास। क्या बोला जाता है? बोहिमियन ग्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है, तो अपने को लिखना है प्यारे दोस्तों। इसको हम लोग एक नाम और देते हैं, अनदर नेम बोहिमियन
ग्लास, ठीक है, ये पता होना चाहिए अपने को, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अभी बात आती है कि ये हार्ड है, हार्ड है मतलब सख्त है, सख्त होने की वजह से कहाँ कहाँ यूज होगा, ये तो बहुत ही अच्छी एक चीज है। ज्यादा सख्त है तो ज्यादा हीट अटेन करेगा, लिख लेते हैं यहां पर, यूज जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, पहली बात टेस्ट ट्यूब्स में यूज होता है। टेस्ट ट्यूब्स में कैसे यूज होगा प्यारे दोस्तों, ये क्यों यूज होगा, कहने का मतलब ये है, ये इसलिए यूज होगा, ये जो है इसकी हाई हीट अटेनिंग कैपेसिटी, हीट अटेनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसीलिए ये टेस्ट ट्यूब में यूज होता है, ठीक है। आगे मेरी बात आती है यहां पर, एक और चीज में यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बना कोई ऑफिसर, मुझे मिली गाड़ी और गाड़ी में होगा बुलेट प्रूफ शीशा, किससे बना होगा, पोटैश लाइन ग्लास से। तो लिख लेते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, यूज इन बुलेट प्रूफ ग्लास, बुलेट प्रूफ ग्लास में बहुत काम आता है पोटैश लाइन ग्लास, तो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला ग्लास जो मेरा आता है उसको कहा जाता है पोटैश लेड ग्लास, वो कैसे बनता है, यही पॉइंट्स हैं, कुछ भी बाहर से नहीं पूछेगा, मेरा आपसे दावा है, क्योंकि होता ही नहीं और कुछ, यही होता है, ठीक है। चलो आगे जेंटलमैन, बात आती है अगले ग्लास की, जो कि होता है पोटैश लेड ग्लास। मैंने अभी क्या बताया था आपको, पोटैश मतलब K2O, लेड मतलब PbO, 6SiO2, पोटैश लेड ग्लास, इस ग्लास को बोला जाता है पोटैश लेड ग्लास, एक नाम और दिया जाता है, कॉमन नेम, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, पेपर में आएगा, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस की वीडियो भी लाऊंगा, प्रीवियस ईयर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, सबर रखना, उसमें आपको एनालाइज हो जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे बात आती है, इसको एक नाम दिया जाता है फ्लिंट ग्लास, ठीक है, फ्लिंट ग्लास इसको अलग से नाम दिया जाता है, ये एल FLINT, क्या क्या हुआ, पोटैश लेड ग्लास बता दिया है, इसको नाम क्या दिया जाता है वो बता दिया है, अभी बात आती है कि ये यूज कहां पर होता है, लिख लेते हैं, ये यूज होता है मेरे प्यारे दोस्तों ट्यूबलाइट्स बनाने में, यूज ट्यूबलाइट्स बनाने में काम आता है, बल्ब बनाने में काम आता है, ऑर्नामेंटल वर्क में काम आता है, ऑर्नामेंटल समझ रहे हो ना, गहने गुहने में जो आपके लगते हैं हल्के उल्के कांच के शीशे, वो इससे लगते हैं, ऑर्नामेंटल वर्क्स में काम आएगा, सबसे बड़ी बात हमारे चश्मों में जो लगता है लेंसेज में, वो ये लगता है लेंसेज में, आजकल तो फाइबर लगने लग गई है, पुराने जमाने में लेंसेज में ये वाला काम आता था शीशा, तो ये जरूर याद होने चाहिए, पूछ सकता है पेपर के अंदर आप लोगों से, ठीक है। चलो अगला जो ग्लास बचा है वो है रोजमर्रा की जिंदगी वाला ग्लास, आजकल चल रही है पोल्यूशन की जिंदगी, दवाइयां सबके काम आने वाली है, दवाइयों पे आती है बॉटल में रंग बिरंगी, अगर वो शीशे की बॉटल है रंग बिरंगी आती है, तो उसको बोला जाता है कलर ग्लास, एक्चुअली में उसको कॉमन ग्लास भी बोला जाता है, तो उसी के बारे में पढ़ाता हूं थोड़ा सा, कि अगला जो मेरा ग्लास आता है कॉमन ग्लास, ये कॉमन ग्लास क्या होता है, एक डेफिनेशन है, बहुत जरूरी है डेफिनेशन, इट इज द मिक्सचर ऑफ द सिलिकेट ऑफ द सोडियम कैल्शियम पोटेशियम, क्या बोला मैंने, इट इज द मिक्सचर ऑफ द सिलिकेट एंड द सोडियम पोटेशियम आयरन, लिखेंगे मिक्सचर ऑफ सिलिकेट्स ऑफ सोडियम कैल्शियम एंड आयरन, इन तीनों के, ये पूछ सकता है पेपर में, सोडियम कैल्शियम और आयरन होता है, सोडियम कैल्शियम और आयरन के सिलिकेट्स के मिक्सचर को जब मिलाया जाता है तो मेरे को एक नया शीशा मिलता है जिसको मैं कहता हूं कॉमन ग्लास, अगर इसके अंदर कलर ऐड कर दिया जाए, इफ कलर एडेड, तो ये कौन सा शीशा देगा मेरे को, ये शीशा मेरे को दे देगा कलर ग्लास, मेरी बात समझ में आई होगी प्यारे दोस्तों, कि कौन सा अगर कलर ऐड कर देता हूं कॉमन ग्लास के अंदर, कॉमन ग्लास क्या, मिक्सचर ऑफ सिलिकेट ऑफ सोडियम कैल्शियम एंड आयरन, तीनों के अंदर कलर ऐड कर दिया है
मिक्स कर दिया है, कौन सा ग्लास मिलेगा, कलर ग्लास, ठीक है। यूज कहां पर होता है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बोला था पॉल्यूशन का सीजन चल रहा है, खांसी जुकाम सबके हो रहा है, दवाइयां लेते हैं, दवाइयां की शीशियां आती है कांच की, कलरफुल होती है, तो मेडिसिन बॉटल्स में लिख लेते हैं। यूज कहां पर होगा इसका, मेडिसिन ठीक है, मेडिसिन बॉटल्स में इसका हम यूज करते हैं। अब होमवर्क सुनो, ग्लास से रिलेटेड आपको एक चीज बतानी है, बतानी नहीं देनी है भाइयों। देखो ग्लास का हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं बहुत जगह, वो मैंने बता दिया। ग्लास के यूज करने के फायदे क्या है वो आप बताओगे, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ग्लास, ये तीन पॉइंट्स, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ग्लास, थ्री पॉइंट्स आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, बहुत आसान है, आप दिमाग लगाओगे थोड़ा सा वैसे ही बता दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तीन पॉइंट आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, कोई गलत लिखता है तो मैं सही करा दूंगा, और सही लिखता है तो मैं उसको लाइक कर दूंगा, लाइक करने पे आपको पता, मैं कमेंट भी लिख दूंगा उसके नीचे इट इज करेक्ट, ठीक है, कमेंट से पता लग जाएगा कि ये ठीक है, और बच्चे वहां से कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो मैं अगली वीडियो में ही बता दूंगा पूरा, ठीक है। तो भाइयों एक चीज इंपॉर्टेंट आती है यहां पर, मैंने पढ़ाते हुए आप लोगों को बुलेट प्रूफ ग्लास का नाम लिया था, और ये एसएससी जेई वाले है ना, ये ऐसे ही पूछ लेते हैं, तूने नाम कैसे लिया उस चीज का, तेरे से मैं वही पूछूंगा, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। बुलेट प्रूफ ग्लास, अच्छा सबसे पहली बात आती है बुलेट प्रूफ ग्लास होता क्या है, बुलेट प्रूफ ग्लास होता है हार्ड ग्लास, नाम एक दिया जाता है ना इसको, इसको हार्ड ग्लास भी कहते हैं। या मैं सबसे पहली बात अगर जानना चाहूं किस चीज से बनता है, मैंने बताया था पोटेशियम लाइम सिलिकेट, तो पोटेशियम लाइम ग्लास भी कहा जाता है इसको, हार्ड ग्लास होता है ये भी पता है। इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों, ये बनता कैसे है, मतलब एक थोड़ा सा अलग से प्रोसेस होता है उसको लिख लेते हैं, कि जब सिलिकेट्स जो है लिख लेते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सचर ऑफ सिलिकेट्स विद विनाइल रेजिन, लिख लेते हैं यहां पर, इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सचर ऑफ सिलिकेट विद विनाइल रेजिन, किसका, ऑफ प्लास्टिक। यहां तक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। सिलिकेट्स को, सिलिका को जब हम विनाइल रेजिन ऑफ प्लास्टिक के साथ मिक्स करेंगे तो ये प्रूफ होता है बुलेट प्रूफ। ये प्लास्टिक कौन सी होनी चाहिए, ये प्लास्टिक होनी चाहिए प्यारे दोस्तों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अच्छा ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता क्या है, देखो सेट का मतलब वो सेट हो गया है, कौन सेट हो गया है, कोई मटेरियल, मैं किसी और को सेट करने की बात नहीं कर रहा, मटेरियल सेट हो गया है। मटेरियल सेट होने का मतलब क्या है, कि इट इज नॉट एक्चुअली चेंजिंग द शेप, वो अपनी शेप को अब चेंज नहीं कर रहा है, वो अच्छी तरह उसके बर्ताव, उसके माहौल में एडजस्ट हो गया है, समझने की बात करना, ठीक है। हीट के साथ ये सेटिंग कर चुका है अपनी अपनी, अपनी शेप को अटेन कर चुका है, अब गर्म कर लेना ये अपनी शेप चेंज नहीं करेगा, इस चीज को कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। चलो सेकेंड बात आती है कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, इंपॉर्टेंट है, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी बुलेट प्रूफ ग्लास की नहीं, थिकनेस, थिकनेस लिखते हैं फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कर लेते हैं इसकी, पहले लिखवा देता हूं इसकी थिकनेस कितनी होगी मेरी प्यारे दोस्तों, इसकी थिकनेस लगभग लगभग 15 mm से लेकर 75 mm तक रख देता हूं, याद होना चाहिए। अभी बात आती है कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कितनी रखते हैं, सो जेंटलमैन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है मेरी ग्लास की वो होती है प्यारे दोस्तों 1.2, बुलेट प्रूफ ग्लास की, इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। ये हुआ मेरा ग्लास का टॉपिक पूरा खत्म, कुछ आएगा तो इसी से आएगा, जनरली क्या क्या आएगा वो मैंने आपको मेन मेन पॉइंट्स लिखवा ही दी हैं। वैसे हम लोग क्या करने वाले हैं, जब आपके पेपर पास आएंगे ना प्यारे दोस्तों, तो हम लोग उसमें से यार आप लोगों को वन लाइनर की वीडियो बनाकर देंगे, एक वन लाइनर बहुत इफेक्ट डालेगा आपको वीडियो में, मेन मेन जो पॉइंट्स होंगे रिविजन के काम आएगा, मेन मेन पॉइंट्स आपके दिमाग में होंगे, कुछ नहीं पता होगा तो वो वन लाइनर के फॉर्म में आपसे याद हो जाएगा, एक नंबर के क्वेश्चन बहुत बनते हैं उससे, तो वो वीडियो भी जल्दी आप लोगों के बीच हम
लाने वाले हैं, ठीक है। चलो ग्लास भी पढ़ लिया है हमने यहाँ से, अभी बात आती है प्लास्टिक की। अब प्लास्टिक पढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर कि प्लास्टिक कैसे और क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है एक्चुअली में प्लास्टिक क्या होता है, सबने देखा है भाई, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत जगह यूज भी करा है। प्लास्टिक क्या होता है कुछ एग्जांपल देता हूं। हमारे भारत में नहाते तो सभी लोग हैं, अब बाल्टी लेते हैं, टब लेते हैं। ज्यादातर लोगों के घरों में बाल्टी जो होती है वो प्लास्टिक की होती है, टब जो होता है वो प्लास्टिक का होता है, मग्गा जिससे पानी लिया जाता है वो प्लास्टिक का होता है। कहने का मतलब था प्लास्टिक आप लोगों को पता है क्या होती है, बनती कैसे है, मतलब टेक्निकल भाषा में अगर मैं बोलना चाहूं तो कैसे क्या। लिख लेते हैं, प्लास्टिक जो होती है मेरे प्यारे दोस्तों, सोडियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और बहुत अलग एलिमेंट्स को आपस में पॉलीमराइज कराया जाता है। लिख लेते हैं, मिक्सचर ऑफ सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स फ्यूज्ड टुगेदर बाय पॉलीमराइजेशन एक्शन। क्या बोला मैंने यहां पर, इन सारी चीजों को एक्चुअली में पॉलीमराइज कराया जाता है। पॉलीमराइज क्या होता है ये आपको पता होगा आई होप। पॉलीमराइजेशन नहीं पता तो थोड़ा सा नेट पे सर्च कर लेना, दो लाइनों में समझ आ जाएगा। पॉलीमराइजेशन एक्शन से जब इन चीजों को फ्यूज कराया जाता है, मिक्सचर बनाया जाता है, वहां से एक्चुअली में प्लास्टिक निकल कर आता है मेरा, ठीक है। अभी बात आती है यहां पर मेन जो होता है, ये तो बहुत छोटी छोटी है, मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके अंदर। मेन कंपोनेंट्स लिख लेते हैं दोस्तों, मेन जो होता है वो होता है कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। मेन कंपोनेंट्स यही हैं तो ये पता होना चाहिए अपने को। ये तो ना के बराबर है, थोड़े थोड़े से होते हैं, मेन कंपोनेंट्स ये तीन होते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। बात आती है, दो टाइप की प्लास्टिक होती है मेरे पास। एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जैसा कि मैंने अभी ग्लास में उसका नाम भी लिया था और थोड़ा बहुत बताया भी था, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक होती है थर्मोप्लास्टिक। समझते हैं इस चीज को, एक एक करके दोनों समझते हैं। पहले पढ़ते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक प्यारे जेंटलमैन क्या है, देखिए जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया आपको, पहले वाली वीडियो नहीं, पहले ही थोड़ा सा टाइम पहले ही जब मैं ग्लास पढ़ा रहा था तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में मैंने वहां जिक्र करा था आपसे, थोड़ा सा और बता देते हैं। देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जो टेम्परेचर के साथ एक बारी अपनी शेप अटेन कर लेगी, फिर जब मैं गर्म करूंगा ना तो बार बारी शेप को बदलेगी नहीं, वो अपनी शेप में रहने की कोशिश करेगी, तो उस चीज को बोला जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो हीट के साथ, थर्मो मतलब हीट, सेटिंग मतलब सेटिंग, तो आप लोग मेरे से अच्छी तरह जानते होंगे, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिविल वालों का थोड़ा माहौल ऐसा ही होता है यार अपना, तो जिसके साथ हीट की सेटिंग हो गई है उसके साथ बंधन में बंध गई है, अच्छी तरह एक माहौल में एडजस्ट हो गई है, तो वो क्यों बदलेगी अपने आप को, समझ रहे हो मेरी बात को, उसी को कहा जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मेन पॉइंट्स लिखते हैं यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों कि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होती है ये किस टेम्परेचर पर एक्चुअली में सेट होती है। लिखते हैं दिस प्लास्टिक, पता तो लग गया ना, लिखवाऊं तो नहीं इस चीज को, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है। बस यही होता है जो अपनी शेप को बार बार अटेन नहीं करती, परमानेंट शेप अटेन कर लेती है, ठीक है। दिस इज सेट एट 127 डिग्री सेल्सियस से लेके 148 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसकी सेटिंग होती है, ठीक है। आगे बात आती है कि ये जो होती है इसके कुछ एग्जाम्पल लिखने बहुत जरूरी है, लिख लो। प्लास्टिक पेंट, और ये तो हटाओ यार, एक अपने तरफ से लिखवा देता हूं। पहला होता है प्लास्टिक पेंट, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड, ये दो एग्जांपल इसके हैं, याद रखने हैं, ठीक है। अभी बात आती है थर्मोप्लास्टिक क्या है।
थर्मोप्लास्टिक है मेरे प्यारे दोस्तों, जो टेम्परेचर के साथ अपनी शेप को चेंज कर लेती है, दूसरी शेप अटेन कर लेती है, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक नॉट परमानेंट सेट, नॉट परमानेंटली सेट, ठीक है। रीशेप इटसेल्फ ऑन हीटिंग, समझ आया। इसके बाद बात आती है प्यारे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि ये किस टेम्परेचर पर हीट होती है, वो बहुत जरूरी है। तो लिख लेते हैं, सेट एट नियरली 50 डिग्री सेल्सियस। ये 50 डिग्री सेल्सियस पर अपने आप को एक शेप दे लेती है और उसके बाद कूल डाउन होने पर एकदम सेट हो जाती है। दोबारा से इसको गर्म करो, दोबारा शेप ले लेगी। एक बंदे से काम नहीं चल रहा, इधर उधर भटक रही है, इस तरह की है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। सबके काम आ रही है कह सकते हो आप ऐसा, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक आई होप समझ में आ गया होगा, यही है थर्मोप्लास्टिक के बारे में। एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल क्या होगा, मेरे घर के बर्तन, कैसे प्लास्टिक के बर्तन होते हैं ना घर में, जैसे कि बर्तन नहीं तो बाल्टी हो गई, मग्गा हो गया, बॉटल्स आती हैं पेप्सी कोक की, वो सारी जो है थर्मोप्लास्टिक है। और क्या हो सकता है, पीवीसी पाइप्स आते हैं, तो लिख लेते हैं बॉटल्स, पीवीसी पाइप्स, मग, बकेट एटसेट्रा। आई होप क्लियर हुआ होगा। मेन पॉइंट क्या है, वो यही है, टेम्परेचर पूछ सकता है, कुछ एग्जाम्पल दे देगा आपको, समझ में आया। अब प्यारे बात आती है यहां पर कि हम जो है प्लास्टिक को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहां यूज करते हैं, वो चीज लिखते हैं जल्दी से। रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक यूज जो होता है कहां कहां यूज होता है, यार आपको भी पता है, हमारे घर के दरवाजों में यूज होता है, हमारे घर की खिड़कियों में यूज होता है, हमारी सीलिंग्स में यूज होता है, हमारे नहाने के बर्तन जो होते हैं, मतलब जो यूटेंसिल्स होते हैं, जैसे कि बाल्टी हो गया, मग्गा हो गया, बोतल हो गई, पीवीसी पाइप्स हो गए, फ्लोरिंग में काम आता है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो उनमें से कोई भी 6 चीजें आपको लिखनी है, अपने आप कर लीजिएगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मेन जो बताने की चीज है, कुछ प्रॉपर्टीज वो बता देता हूं, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है प्लास्टिक की वो कितनी होती है, लिख लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लास्टिक की 1.3 से लेके 1.4 के बीच वेरी करती है, पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है कि स्पेसिफिक प्लास्टिक जो होता है एसिड अटैक नहीं करवाता अपने ऊपर, इट इज एसिड रेजिस्टेंट, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज आती है मेरे प्यारे दोस्तों कि मेरे घर में जो एक्चुअली प्लास्टिक यूज होता है थोड़ा सा टेम्परेचर हाई रिटेन करना चाहिए, ठीक है। ये मैं लिखवाना नहीं चाहूंगा, बस ये दो प्रॉपर्टीज हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की प्रॉपर्टी याद है ना, तो अगर मैं किसी प्लास्टिक को यूज करता हूं तो जनरली वो ज्यादा हीट को सह लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी मोमबत्ती जलाई और वो पिघल गया, तो ऐसे काम नहीं चलेगा अपना। मेरी बात समझ में आई आपको? तो इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्या क्या कराया, मैंने आपको पूरा पूरा करा दिया लाइन, पूरा पूरा करा दिया ग्लास, प्लास्टिक। कहो तो एक चीज और कर लेते हैं, चलो एक और चीज कर लेते हैं जो कि होती है स्टील, ठीक है। स्टील कर लेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, बहुत हो जाएगा इस लेक्चर के अंदर। छोटे छोटे टॉपिक्स जो बचे थे वो मैंने कवर अप करवा दिए। अब आपका क्या है, पेंट करा दूंगा एक लेक्चर के अंदर, पूरा बीएमसी अपना हो जाए। सो जेंटलमैन, अब मैं आपको स्टार्ट करवाने वाला हूं स्टील। थोड़ा सा स्टील के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इस लेक्चर को पूरा वाइंड अप कर लेंगे। भाई स्टील क्या होती है ये सबको पता है, स्टील स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा बहुत हमने जान रखा है। एज अ सिविल इंजीनियर जानता हूं कि जो मेरे स्ट्रक्चर के अंदर सरिये यूज होते हैं वो एक्चुअली में स्टील के होते हैं। तो स्टील ले देकर आपको पता है, एक बात तो मुझे पता है कि ये जो स्टील होती है ये कहां से बनती है, ये आयरन से बनती है। और आयरन कहां से मिलता है, ये मुझे मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों आयरन ओर से। ये बात तो अपने को पता है, आयरन ओर से आयरन मिलेगा और आयरन से मेरे को स्टील मिलेगी। कहने का मतलब क्या है, क्या ऐसे ही मिल जाती है, नहीं, बीच में कुछ प्रोसेस करने होते हैं। कौन से प्रोसेस देखते हैं, चलो भाई आप गए आयरन ओर से, आयरन ओर से आपने लिया मेरे प्यारे दोस्तों रॉ आयरन। एक्चुअली में ये रॉ आयरन लेने के बीच में एक प्रोसेस करना पड़ता है, क्या, इसको मेरे को बीच में भेजना पड़ता है, इस आयरन ओर को
इस आयरन ओर को आपको भेजना पड़ेगा इलेक्ट्रिक रिडक्शन फर्नेस में। कहने का मतलब क्या है, आयरन ओर को डालना पड़ेगा भट्टी में, गंदगी चली जाएगी, आयरन बच जाएगा, ये मतलब है। ठीक है, समझ में आया। ये इलेक्ट्रिक रिडक्शन फर्नेस में डालने के बाद आपको क्या मिलता है, वहां से मिलता है पिग आयरन। ये पिग आयरन क्या है, पिग आयरन याद रखेंगे, पिग का मतलब होता है रॉ आयरन। ठीक है, जो अभी मेरे काम का नहीं है इसको मैं अपने काम का बना सकता हूं। ठीक है, अभी बात समझ में आई कि ये कुछ प्रोसेस है जहां से मुझे ऐसी ऐसी चीजें मिल रही हैं। ये इलेक्ट्रिक रिडक्शन फर्नेस जो है तीन तरीके के हैं। कैसा कैसा, देखिए ध्यान से समझेंगे इस चीज को, मैं इसको यहां लिख रहा हूं। पहला जो होता है उसको बोला जाता है रिवर्बरेटिंग फर्नेस, रिवर्बरेटिंग फर्नेस। इस फर्नेस से मुझे किस तरह की आयरन मिलता है ये कह सकता हूं। इस फर्नेस से याद रखेंगे मेरे को मिलता है रॉट आयरन। ठीक है, ये रॉट आयरन को याद कैसे करूं, रिवर्बरेटिंग से रॉट आयरन मिलता है, रिवर्बरेटिंग, रिवर्बरेटिंग रॉट, री और रॉ आ रहा है ना, री और रॉ, तो ऐसे ऐसे याद रखना है आपको। रिवर्बरेटिंग फर्नेस से आपको मिलता है रॉट आयरन। और यहां मैं एक और लिखना चाहूंगा जिसको कहते हैं कुपेला, कुपेला फर्नेस। इससे क्या मिलेगा, कास्ट आयरन। कैसे याद रखा मैंने इस चीज को, देखिए समझते हैं, कुपेला सी फोर, कुपेला सी फोर कास्ट, दोनों हो रहे हैं सी से, एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, तो ये हो गया बाप और ये हो गया बेटा। क्लियर हो रहा है, तो कुपेला से कास्ट मिला, रिवर्बरेटिंग से रॉट मिला, स्टील किससे मिला, इसको भी समझ लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। स्टील मुझे मिलता है इलेक्ट्रिक फर्नेस से, जिसको मैं एलडी फर्नेस भी कहता हूं। लिख लेते हैं यहां पर, मैं इसको मिटा रहा हूं, समझ में आ गया होगा ये चीज। तीसरा जो होता है इलेक्ट्रिक फर्नेस, इससे मेरे को मिलती है स्टील। क्लियर हुआ, तो ये चीज आपसे पूछ सकता है पेपर के अंदर, कौन से फर्नेस से किस तरह की क्या मिलती है, आपको ये पता होना चाहिए। तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, दो की ट्रिक है, हर चीज में ट्रिक काम नहीं आती है, थोड़ा दिमाग भी काम आएगा, तो ये दिमाग से याद रखेंगे। दो की ट्रिक आ गई, तीसरे का तो हो ही जाएगा। ठीक है, चलो अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा चैप्टर खत्म। क्या है, रॉट आयरन के बारे में पढ़ते हैं। देखो मेन मेन पॉइंट्स लिखवाऊंगा जो कि इसमें बहुत काम आने वाले हैं, बाकी पूरा पढ़ने की अपने को जरूरत नहीं है। रॉट आयरन की अगर मैं बात करना चाहूं यहां पर देवियों और सज्जनों, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, लिख लेते हैं, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा यहां पर, इसके अंदर कार्बन कितना है, याद रखेंगे इसके अंदर जो कार्बन होता है मेरे प्यारे दोस्तों 0.15% से लेके 1.25% तक होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरी चीज, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है, ये आयरन लिखा है मैंने, लोहा, कार्बन इसके अंदर इतना है। एक और पॉइंट आता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है हाई इन टेंशन, इसकी टेंशन सहने की ताकत बड़ी बेहतरीन है। ठीक है, तो ये चीज पता होना चाहिए। अभी इसके बाद बात आती है स्टील की, थोड़ा सा स्टील के बारे में भी जान लेते हैं ऐसे ही, फिर आगे कर लेंगे। स्टील की बात आती है यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों, कि यार जो स्टील होती है, पहली बात तो मेरे को पता है स्टील जो है उसके अंदर अच्छी क्वालिटी की मेरे पास प्रेजेंट होती है, एक होता है माइल्ड स्टील, एक होता है हार्ड स्टील, इस बारे में बाद में बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब बात आती है इनका डिफरेंस, तो यार बहुत जरूरी है, एसएससी जेई में अगर नहीं पूछता तो और बहुत सारे पेपर है हमारे पास, यूपी ट्रिपल एससी आ जाता है, डीएमआरसी आ जाता है, आरआरबी हो जाता है, एलएमआरसी आ जाता है, और बहुत निकलते रहते हैं, सब में यार इनसे तो आ ही जाता है, पता होना चाहिए। हार्ड स्टील स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे, हार्ड स्टील की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 7.9 और इसकी होती है 7.8। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है 1300 डिग्री सेल्सियस और इसका हो जाता है 1400 डिग्री सेल्सियस। मेरी बात समझ आई। आगे बात आती है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी कितनी होती है, याद रखेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो इसकी होती है वो होती है 14 से 20 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टन है, टन। ठीक है,
इसकी जो होती है वो 8 से 12 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। अगर मैं बात करना चाहूं टेंसाइल स्ट्रेंथ की, तो मेरे प्यारे दोस्तों टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है, सी एस इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, दिस इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये होगी 9 से 12 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये जो होती है ये लगभग 6 से 8 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। मेरी बात समझ में आई होगी। एक और बात यहां से जान लेते हैं, इनका यूज हम कहां कहां करते हैं। अच्छा, माइल्ड स्टील का यूज बताओ कहां करते हो। आपको पता है माइल्ड स्टील का यूज रीइंफोर्समेंट के वर्क में करा जाता है, ये भी करा जाता है, हार्ड स्टील भी यूज कर लिया जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, दोनों ही रीइंफोर्समेंट में काम आते हैं। आगे मेरी बात आती है, माइल्ड स्टील का यूज और कहां करा जाता है, जनरली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बहुत जगह यूज कर लिया जाता है इसको, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में तो मैंने लिख ही लिया। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अलग से लिख, ठीक है। इसका यूज कहां करते हैं, देखो जो भारी भारी मशीन्स होती है ना जेंटलमैन, उन मशीन्स को बनाने में इसका यूज होता है। तो लिख लेता हूं मशीन्स मेकिंग। आई होप समझ में आ गया होगा, बाकी क्या आप पढ़ सकते हैं, जरूरत नहीं है, यूज के बारे में आता नहीं है। मेन चीज जो थी वो ये 4 पॉइंट, ये पता होना चाहिए आपको, बाकी के सब हो जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली इस लेक्चर के अंदर 4 चीजें कवर अप करी, लाइन करा, ग्लास करा, प्लास्टिक करा, स्टील करी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, ईच एंड एवरी कंसेप्ट इज क्लियर टू यू, यू विल प्रैक्टिस अ लॉट फॉर दिस कंसेप्ट, यू विल लर्न दीज ऑल द फंडामेंटल थिंग्स विच आई हैव टॉट यू बाय हार्ट, और आपको याद करनी है क्योंकि बहुत जरूरी है दोस्तों। इसी के साथ हमेशा की तरह कहना चाहूंगा, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, माँ बाप की सेवा जरूर करते रहो, बिकॉज उनके आशीर्वाद के बिना कभी कुछ मिला ही नहीं ना मिलेगा। देश है तो हम है, हम है तो देश है, देश की सेवा जरूरी है। बाकी इसी के साथ तैयारी भी करते रहो, मेरे साथ बने रहिए, मैं हूँ निखिल गोयल, हमेशा आपको पढ़ाता हूँ और पढ़ाता रहूंगा ठीक इसी तरह। लेकिन आपका क्या काम है, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ ज्यादा से ज्यादा, वीडियो को लाइक करवाओ ज्यादा से ज्यादा, कहने का मतलब है सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, शेयर करो, बिकॉज आई नीड योर सब्सक्रिप्शन, यू नो दैट, ओके। तो मैं बहुत हेल्प करता हूं, आपको पता है, आप भी मेरी हेल्प करो, जैसा कि आप हमेशा कहते हो रिस्पॉन्स कम है, रिस्पॉन्स बढ़ाओ यार, रिस्पॉन्स बढ़ाओ, ठीक है। सो सभी को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम मेरी तरफ से।